हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटर पॉइंट। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी को। ओके, तो अगर आप WBJEE 2021 एग्जाम देने वाले हो या GLEED 2021 एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, क्योंकि अगर आप WBJEE एंड GLEED दोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे ना। तो सबको पता होना चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी 2021 न्यू रिव्यू। सो WBJEE के थ्रू आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले पाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, एंड GLEED के थ्रू आप लोग बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर लैटरल एडमिशन ले पाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, यानी सेकेंड ईयर में। ओके, सो जादवपुर यूनिवर्सिटी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग जानते हो वेस्ट बंगाल में नंबर वन यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें आप लोग बीटेक कर सकते हो ओनली 10 to 12,000 में। बीटेक कंप्लीट, 4 years बीटेक कंप्लीट, ओनली 12,000 में कंप्लीट फुल कोर्स। ओके, समझ सकते हो कितना पॉपुलरिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, इसके ऊपर मैं जितना भी बताऊँ वो कम है। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ WBJEE एंड GLEED को कवर करूँगा, अदरवाइज जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको छोड़ के ये दोनों हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ब्रांच जो होता है BFarm, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये जो 15 ब्रांच आप लोग देख रहे हो, 15 ब्रांच को टारगेट करता है GLEED 2021। ओके, और भी दो या तीन ऐसे ब्रांच होता है जो जिसमें ऐड होता है WBJEE के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हो, वो मैंने मेंशन नहीं किया है। ये 15 जो ब्रांच है यही इंपॉर्टेंट ब्रांच है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार जादवपुर यूनिवर्सिटी को विजिट कर लो, कैंपस देख लो, उसके बाद आगे जाते हैं। ओके, सो कैंपस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस यूनिवर्सिटी में सबसे खास चीज है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया रैंकिंग। ओके, तो इसमें आप लोग देख सकते हो 5th इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में टोटल जो यूनिवर्सिटी है इंडिया में, इसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी 5th पोजीशन में है। ओके, 17th इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में 17th पोजीशन में है। ओके, एंड 12th इन ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी में ये 12th पोजीशन में है ये यूनिवर्सिटी। ओके, तो कितना इम्पॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडियन रैंकिंग। ओके, 5th इन यूनिवर्सिटी, 5th पोजीशन में है, 17th पोजीशन इंजीनियरिंग में, 12th पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी में। ओके, आप लोग देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी कितना पॉपुलरिटी है। तो इसके ऊपर प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे लास्ट में, अभी देखते हैं कोर्स फी। तो कोर्स फी आप लोगों को 3 to 6,000 पर ईयर का आपको देना पड़ता है, 3 to 6,000 पर ईयर, और हॉस्टल फी अप्रॉक्स 1,000 पर मंथ होता है, अप्रॉक्स में भी यही होता है। ओके, अप्रॉक्स 1,000 पर मंथ होता है आपका हॉस्टल फी, बट हॉस्टल में काफ़ी सारे लोग नहीं रहते रैगिंग के वजह से, बट मे बी ये थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है हॉस्टल में, बट आप लोग जा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि आगे क्या होता था हॉस्टल में जो लोग रहते थे रैगिंग बहुत होता था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल फील करता था स्टूडेंट लोग, तो अभी आप लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना अगल बगल में आपको काफ़ी सारे मेस पीजीस मिल जाएगा, उसमें जाकर आप लोग रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, और ऊपर आप लोग देख सकते हो मैंने कट ऑफ लिखा है, कट ऑफ 2020। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करूँगा, कट ऑफ 2020। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो जाके प्लीज़ देख लेना कितना कट ऑफ गया था, लास्ट ओपनिंग कट ऑफ, क्लोजिंग कट ऑफ कितना हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जाके प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, WBJEE 2020 कट ऑफ, ओके, फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली। तो जाके प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, और जिलेट के ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक कट ऑफ जो वीडियो है, तो जाके आप लोग देख सकते हो कितने रैंक के आपको जिलेट में, जिलेट के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, वो भी मैं बताया है, तो जाके प्लीज़ देख लेना, ठीक है। सो अभी आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। तो प्लेसमेंट सबसे अच्छा होता है CSE का, कंप्यूटर साइंस एंड IT वालों का, CSE एंड IT वालों का सबसे अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, ओके। अप्रॉक्स 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिल जाता है इंटर्नशिप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ओके। CSE एंड IT जो दो ऐसे जो ब्रांच है जिसको प्लेसमेंट मिल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। बट ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा टफ हो जाता है, ये जो प्रैक्टिकल जो करवाता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, हमारा असाइनमेंट होता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो आप लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक सेमिस्टर को पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा में हो या 12th में हो, आपका जो सेमिस्टर होता है, सेमिस्टर आप अच्छे से क्रैक कर लेते हो, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी का सेमिस्टर होता है बहुत ही डिफिकल्ट, हाई लेवल का होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर ना करो तो आपको जो सेमिस्टर में बैक लग सकता है, अगर बैक लग जाए तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल मैं यही बताऊंगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ना चाहते हो किसी भी ब्रांच में, तो आपको प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज रखना ही है, क्योंकि अगर बैक आ जाता है तो प्लेसमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड थियोरेटिकल लैब असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट होगा, लैब कॉपी होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। IT जो वाले जो स्टूडेंट होता है उसका तो पूरा ही पूरा प्रैक्टिकल होता है, हर घंटे हर क्लास में लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग करना होता होगा, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक सेमेस्टर को पास करने में, ओके। तो आपको हार्ड प्रिपरेशन करना होगा, अगर एडमिशन ले लिए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एडमिशन के बाद तो आपको पढ़ाई करना होगा, एक सेमेस्टर को पास करना होगा, है ना। तो उसीलिए आपको प्रिपेयर करना होगा, सेल्फ प्रिपेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद अगर आपका प्रिपरेशन लो होता है, आप एक सेमेस्टर को पास नहीं कर पाए, आप एक सेमेस्टर में बैक आ गया किसी दो या तीन सब्जेक्ट में, तो वो जो बैक पेपर आपको दोबारा सा देना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग प्रिपरेशन, और जो अभी सेमेस्टर चल रहा है उसके लिए अलग प्रिपरेशन, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टेंशन आ जाएगा एंड डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोग इजी से क्रैक कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो WBJEE एंड जिलेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि डिप्लोमा में अगर 12th नहीं होता है, यानी 12th पास नहीं किए हो, तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जिलेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो? तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हो, आपको अगर 10th पास करके डिप्लोमा कर रहे हो फिर भी आप लोग ले सकते हो, एंड आपका डिप्लोमा में ओनली 60% होना चाहिए, ठीक है। और आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट एलिजिबल है जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बस सीट बहुत कम रहता है, इसलिए हर साल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलता है, उसके ऊपर डिपेंड करते ही आपका जो एडमिशन होता है, यानी आउट ऑफ बंगाल का एडमिशन होता है, ओके। एंड WBJEE के लिए आप लोग WBJEE एग्जाम क्रैक करने के बाद आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकते हो, एंड आउट ऑफ बंगाल वाला भी एडमिशन ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही बोलना था आज के इस वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।